नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालेंगे खबरों पर। उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से जल मिशन के तहत की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। इस योजना का लक्ष्य है उत्तराखंड के ज्यादा ग्रामीणों क्षेत्रों में लोगों को एक रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जाए, ताकि सरकार जनता को महीने के एक रुपए में शुद्ध पानी उपलब्ध करा सके। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो लोगों के घर घर तक पानी के कनेक्शनों को जोड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने इस मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य के 11 जिलों में पेयजल का जबरदस्त संकट है, ऐसे में जनता को सस्ते में पानी का कनेक्शन देने से क्या फायदा होगा। धस्माना का कहना है कि सरकार की ये मुहिम सिर्फ एक जुमला भर है। लालकुआ के हल्दूचौड़ा क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथियों ने जमकर आतंक मचाया है। वहीं हाथियों के आतंक से किसानों की कई एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। आए दिन जंगली हाथियों के आतंक से गांव वालों में भी जान माल का खतरा सता रहा है, जिसके साथ ही किसानों ने वन विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुरक्षा और मुआवजे की मांग की है। शाम ढलते ही हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचाते हैं। इतना ही नहीं, जंगली हाथियों ने कई जगह दीवारों को भी तोड़ डाला है। लगातार पिछले दो वर्षों से सभी काश्तकार त्रस्त हैं और आज स्थिति ये बन गई है कि लोग चाह रहे हैं कि या तो हमें यहाँ से उठा करके हमारा पलायन करा दिया जाए, या फिर हमें एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे कि हाथी से हम सुरक्षित रह सकें और हमारी जो खेती बाड़ी है वो भी सुरक्षित रह सके। जिसमें मुझे लगता है कि फेंसिंग, जो कंटेलिंग फेंसिंग शायद कहते हैं वो, बहुत, हाँ, सोलर फेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी और उसी से हाथी रुक पाएंगे, क्योंकि जनहानि कभी भी किसी वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी होने की संभावना है। हाथी ने डेली अपना जो घर है दुमका बंगर बच्ची धर्मा में बना लिया है, तो विभाग से भी और सरकार से भी चाहूँगी कि हाथी कॉरिडोर खोला जाए और उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। हरिद्वार में कुंभ को लेकर अधिकारी सख्त नजर आए। इसे लेकर प्रशासन के अधिकारी सभी अखाड़ों के साधु संतों से मिले, उनकी सभी समस्याएं दूर करने के आदेश दिए। इसके बाद भी पूरे प्रशासन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते अपर कुंभ मेला अधिकारी हरवीर सिंह कई अधिकारियों के साथ कनखल में नया अखाड़ा उदासीन पहुंचे और उन्होंने अखाड़े के साधु संतों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना। और इस दौरान उन्होंने अखाड़े में राज्य सरकार की ओर से कुंभ मेले के लिए कराए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। वहीं नया उदासीन अखाड़े के महंत भगत राम जी ने सरकार के सभी अखाड़ों में निर्माण करवाने के फैसले का स्वागत किया। आज श्री पंचायती खड़ा नया उदासीन पहाड़ी बाजार में हमारे अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह जी और उनके साथ सभी जो टीम है, जैसे जल विभाग के हैं और विद्युत विभाग के हैं, PWD और भी कई प्रशासनिक अधिकारी जो आज यहाँ देखने आए हैं, जो काम चल रहा है कुंभ मेले से, जो गवर्नमेंट ने इन्होंने अखाड़ों को 1-1 करोड़ की राशि दिया, उनमें से जो काम कार्य चालू उनको देखने आए हैं, निरीक्षण करने आए हैं, तो प्रगति से काम चल रहा है इनके संयोग से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम को देख रहे हैं। हमारे डिप्टी मेला ऑफिसर नेगी सर हैं हर साथ में, हमारे जल निगम के अधिकारी हैं और हमारे PWD के अधिकारी हैं, जिन्होंने मार्गों का निरीक्षण किया, उसके बाद ये अखाड़े में जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया और क्या क्या यहाँ मतलब उनको परेशानियाँ हैं उनका भी जो है उसको नोट किया है, आगे उनकी परेशानियों को दूर कराया जाएगा। ये कार्य जो है कुंभ प्रारंभ होने से पहले जो है समस्त जो है कार्य पूर्ण कर लिए हैं। कुंभ मेला शुरू होने वाला है और इसे लेकर प्रशासन की तरफ से भी बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। हरिद्वार का सबसे बड़ा क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व से भी लगा हुआ है और इसी कारण हमेशा से ही यहां पर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। आए दिन जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड सड़क पर पहुंच जाता है।
वन विभाग के लिए ये हाथी किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। कुंभ मेले में हाथियों की वजह से कोई जनहानि ना हो, इसको लेकर वन विभाग और मेला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। जंगली हाथियों को रोकने के लिए पालतू हाथियों का भी सहारा लिया जा रहा है। कुंभ मेले में ये काफी कारगर साबित होगा। कुंभ मेला 2021 में आने वाले साधु संतुओं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार सभी अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए दे रही है, जिसके तहत मेला प्रशासन अखाड़ों में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कनखल में निर्मल अखाड़े में साधु संतुओं और अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अखाड़ों में भंडारा और संगत हॉल के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से धनराशि अखाड़ों को दी जा रही है। अखाड़ों में भंडार संगत हॉल का निर्माण कराया जाए, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों के काम आएगा। अपना उत्तराखंड में आज बस इतना ही। नमस्कार।